नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा इस वक्त हमीरपुर में हूं और मैं टाउन हॉल में हूं। यहां पे डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग चैंपियनशिप जो है वो चल रही है और हमारे साथ यहां पर एक हारफन मोला खिलाड़ी हैं फेंसिंग चैंपियनशिप के, जिनका नाम है, नाम जानना चाहूंगा सर, पराग। पराग ये नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। सर ये बताइए कि आपने जो ये जो सफ़र है इसकी शुरुआत कितनी उम्र में की और अभी आपकी एज कितनी है? मैंने ये 2016 में शुरू किया था और मुझे 3 साल हो गए इसको खेलते हुए और अभी भी कंटिन्यू रखी हुई है मैंने। और अभी आपकी एज कितनी है? 16। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1। +1 में पढ़ते हो। तो ये जो गेम है जैसा कि सभी देख खेल रहे हैं यहाँ पे, इसे किसी को लग सकती है, तो आपके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए आपको रोकते नहीं है कि ये गेम डेंजरस है और ये मत खेलो? नहीं, जब भी जैसे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ना इस गेम के, वो पहले इसके बारे में पूरा इन्फो देते हैं और इस गेम में मतलब कोई चांसेस नहीं लगने की, क्योंकि फुल बॉडी कवर होती है पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मास्क होता है, ग्लव होते हैं वेपन के ऊपर, फिर पूरी चेस्ट गार्ड होता है और पूरा लोअर होता है, तो इसमें कोई लगने की वो नहीं है। और फिर पेरेंट्स के भी डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों के कैसे हैं, और इसमें कोई मतलब है नहीं ऐसा कि लगे। तो आप हमीरपुर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बेसिकली कांगड़ा के हूँ। कांगड़ा के हैं, तो यहाँ पे आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप, यहाँ पे कैसे? यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से खेल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से खेलते हैं। और आप इस गेम के बारे में कुछ बताएंगे कि इस गेम से ज़्यादा जो ज़्यादा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं आपकी तरह, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ खासियत बताना चाहेंगे? ये गेम का तो फर्स्ट है कि जैसे कुछ गेम्स होती हैं जिसमें हमें अपनी मतलब पावर लगाने पड़ती है और इसमें कोई मतलब लगने वगैरह का खतरा नहीं है ना, तो इसमें हम ऐसे खेल सकते हैं और ये सेफ़ है फॉर चिल्ड्रंस आल्सो। और इसमें अच्छी गेम है क्योंकि इसमें बस फास्टनेस और टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है और ये चाइल्ड सेफ भी है, और इसको खेलने से मतलब माइंड सेट भी अच्छा होता है और जो फिजिकली है वो भी फिट रहता है बंदा। तो फिजिकली फिटनेस के लिए मतलब क्या, जैसे कि आप ये गेम खेलते हो तो कितनी देर की ये गेम, कितनी देर तक चलती है, कितना टाइम लेती है ये? वो जो है जो टाइम है ना वो गेम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट होते हैं वो 5 पॉइंट्स का होता है, वो 1-3 मिनट्स चलता है, और जो फाइनल्स होते हैं वो 20 मिनट्स तक कैरी ऑन होते हैं, वो 40 पॉइंट्स के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि गेम का लेवल कौन सा है। तो अब इसके आगे जब नेशनल तक आप खेल चुके हैं, कितने नेशनल लगा चुके हैं? 3। 3 नेशनल लगा चुके हैं, तो उसके बाद क्या रिजल्ट थे, किस तरह से, किसके साथ आपने वो नेशनल लगाया, हमें बता सकते हैं? मैं कांगड़ा की तरफ से खेलूँ, कांगड़ा के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम सिल्वर था मेरा, फिर उसके बाद मैं स्टेट में गया, स्टेट में फिर और भी बच्चे थे, फिर हमारा ट्रायल हुआ, उसके बाद हम सेलेक्ट हुए नेशनल के लिए। फिर हमारी टीम थी पूरी हिमाचल की, वहाँ पे हम नेशनल में गए, हमारा अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और सब कुछ अच्छा रहा था, और मेडल भी हमें कांगड़े को हिमाचल को मिले थे, ब्रॉन्ज मेडल। तो लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे पराग, आप जो खिलाड़ी जो इस गेम से अछूता है, जो इस गेम के बारे में जानते नहीं है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे देवभूमि मिरर के माध्यम से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गेम सेफ़ है सबके लिए और इसे हर कोई खेल सकता है और इसे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और एक अच्छी गेम है और इसकी एक वैल्यू भी इंटरनेशनल लेवल तक, ये ओलंपिक्स में भी है, और आप जितना इसे खेल सकते हैं उतना खेलिए, और क्योंकि ये अच्छी और चाइल्ड सेफ गेम है। और ये थे हमारे साथ पराग, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ पराग थे जो नेशनल 3 नेशनल लगा चुके थे, अभी हमारे साथ नैनी है। नैनी, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और ये जो गेम है फेंसिंग की, ये आप कब से खेल रहे हो? मैं इस दी मैग्नेट पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 16 साल की हूँ, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, और मैं ये स्पोर्ट जो है वो 2 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ, बीच में छूट गया था, बट नाउ आई एम कंटिन्यू विद दिस स्पोर्ट। सो या, तो कैसा लग रहा है अभी आपको इस गेम से जुड़ के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही स्पोर्टी गेम है, बहुत कुछ सीखने से मिलता है आपको, जैसे जब भी आप इसके साथ खेलते हो तो आपको पता चलता है, नहीं अच्छा दूसरा डिफेंडर ऐसे कर रहा है तो हम ऐसे ही एक्ट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है खेलने में। अगर मज़े से खेलोगे तो मज़ा आएगा, नर्वसनेस से खेलो तो नर्वसनेस होगी, और एक्साइटमेंट से खेलोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो कभी आप स्टेज पर चढ़े हो और आपको डर लगा हो, कुछ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे? ऑब्वियसली जब आप स्टेज में जाओगे, नेशनल के प्लेयर्स आपके सामने होंगे, तो डर तो लगता है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं डरना है कि अपना कॉन्फिडेंस एकदम लूज कर लेना है और खेल ही ना पाओ, आप वो स्कोर हाथ में ही ना पकड़ पाओ, नहीं, कुछ हद तक तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और नर्वसनेस तो होती है। कोई और गेम भी खेलते हो आप? हाँ, बहुत सारी खेलती हूँ, पर इंडिविजुअल गेम्स मुझे ज़्यादा पसंद है। घर में कोई ऐसा, कोई आपका कोई जो आपको इंस्पायर कर रहा हो इस चीज़ के लिए कि नहीं मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ इसलिए ये गेम खेल रही हूँ, कोई ऐसा है कि आपके घर में कोई जो ये गेम खेलता हो?
ये गेम तो कोई नहीं खेलता, बट मेरे ब्रदर हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं कि नहीं तुम खेल सकती हो, तुम मैं लेके आता हूँ प्राइजेस, तुम भी लेके आओ। और मैं उन्हें देख के बहुत कुछ सीखती हूँ, अपनी लाइफ में मैं उनको देख के बहुत कुछ सीख रही हूँ अभी भी। ये जो इस वक्त आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इनको क्या मैसेज देंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस गेम के थ्रू? मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को स्पेशली, कि आपके जो घर में बच्चे हैं अगर वो कोई भी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ 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 उन्हें लेके जाए उस स्पोर्ट के लिए, और उन्हें इतना सपोर्ट करिए कि एटलीस्ट नेशनल तक जाएँ, और फ़ायदा उन्हीं को होगा और आपको भी होगा। तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, और बच्चे भी उसे मजाक में ना लें, जो गेम ओलंपिक तक जाती है वो आपको करियर में बहुत आगे लेके जाएगी। देखिए इस वक्त हमारे साथ एक नंदनी फाइटर जो है वो जुड़ गई है, मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, ये जो अभी अभी आप जो फाइट करके आई हैं, जो फेंसिंग करके आई हैं, जो ये कंपटीशन लड़ गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है बता नहीं सकती। देखो कितनी खुशी है, ये खुशी है, इस गेम में खेल के खुशी हो रही है, लोगों में नर्वसनेस होती है, इनको खुशी हो रही है। और बताइए, इससे आप कब से जुड़ी हैं और इसको आगे, आप इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं आज ही खेल रही हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा, और मैं इसमें जुड़ना चाहती हूँ लॉन्ग टाइम तक के। लॉन्ग टाइम तक जुड़ा, ये देखिए ये हैं बच्चे जो लॉन्ग टाइम तक जुड़ना चाहते हैं। बेटा आप क्या करते हो? मैं भी फेंसिंग खेलती हूँ। ये देखिए सारे फेंसिंग प्लेयर हैं। और क्या क्या करती हैं? डांस करती हैं आप? इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। किस तरह का डांस करती हैं आप? सर मैं हिप हॉप करती हूँ, बॉलीवुड करती हूँ। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? ये थी नैनी, स्टेट चैंपियनशिप में ये पार्टिसिपेट कर चुकी है। कैमरामैन राजेश खन्ना के साथ मैं हिमांशु शर्मा।